अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम योर न्यू साइंस टीचर उनसा। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से क्लासेस जो हैं वो उनका रेगुलर स्टार्ट नहीं हो सका। इस वजह से मॉर्निंग ड्यू स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का अरेंज किया है। जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता, हम अपना फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो हम इंशाल्लाह फिर रेगुलर क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाएंगे। अब हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, आपने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम सेवन क्लास में भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है। आपका सेवन क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो था साइंस का, वो भी ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में था। उसमें आपने जिन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, अब उन ऑर्गन्स के बारे में और आप कुछ और ऑर्गन्स के बारे में नेक्स्ट डिटेल जो है वो अब एट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब जो ही ऑर्गन के बारे में आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लाइक ब्रेन, स्टमक, किडनी, लीवर, पैंक्रियास, इस तरह से। अब इसमें हमारा जो है मेजर टॉपिक जो है वो है ब्रेन। इसमें हम ह्यूमन ऑर्गन के ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट से थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट वेरियस ऑर्गन एंड देयर फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। अब उन्होंने बच्चों स्टार्ट पे भी ये बात बोली है कि आप लोग वेरियस ऑर्गन के बारे में पिछली क्लासेस में कुछ पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स विच कॉन्स्टिट्यूट नर्वस सिस्टम। अब इस चैप्टर में हम लोग ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके ब्रेन से रेलिवेंट है। ब्रेन के बारे में आपको काफ़ी हद तक पता भी होगा कि ह्यूमन बॉडी का इसको कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। आपकी पूरी बॉडी, उसके तमाम फंक्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ब्रेन के अंडर होती है। ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, इस वजह से हम ह्यूमन को, ब्रेन को ह्यूमन का कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। और उसके अलावा जो सेकंड हमारा इसमें ऑर्गन है वो है किडनी। इट्स मीन कि हम इसमें ब्रेन और किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी की आप लोग ईच एंड एवरीथिंग इसमें पढ़ेंगे कि किडनी के फंक्शन क्या है, किडनी के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं और ये प्रॉब्लम किस वजह से हो सकते हैं, हम इन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ये तो एक बच्चों जनरल व्यू था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है नर्वस सिस्टम। अब वेन एवर अ पर्सन गेट इंजरी ऑन हिज फुट वाइल वॉकिंग, ही फील पेन एंड हिज हैंड इमीडिएटली रीच द इंजर्ड साइट। अब उन्होंने कहा कि जब आप लोग कोई भी वॉक कर रहे हैं या कोई भी आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज आपके पाँव पे चोट लग जाती है, ठीक है, पाँव पे चोट लगती है या आपके किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर चोट लग जाती है, इट्स मीन कि वो पार्ट इंजर्ड हो जाता है, तो क्या होता है कि अनकॉन्शियसली इमीडिएटली आपका हाथ फ़ौरन से आपकी इंजर्ड साइट, चोट वाली जगह पर पहुँच जाता है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपका हाथ आपकी इंजर्ड साइड पे कैसे चला गया, आपको कैसे पता चला कि आपका हाथ जो है आपकी चोट के ऊपर क्यों आप लेके गए हैं, इस सारी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हु आस्क्ड द हैंड टू रीच द साइड, कि किसने इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि आप अपने हाथ को अपने इंजर्ड साइड पे ले जाएं। इन फैक्ट देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि इनफैक्ट जो एक ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है आपका ब्रेन, वो इन सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। सपोज आपके किसी बॉडी पार्ट पे चोट लगती है तो क्या होता है कि आपके जिस बॉडी पार्ट पे चोट लगेगी, इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन जो है वो उसका वापस रिप्लाई करता है कि आपको अब ये करना चाहिए। दिस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है। इस सारे सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसी के आप लोग कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज आपका हाथ जो है वो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच हो जाता है, सपोज हम कहते हैं कि स्त्री के साथ आपका हाथ जो है वो टच होता है, तो क्या होता है कि हम इमीडिएटली फ़ौरन से अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो गर्म है, आप अपना हाथ वहाँ पे रखी रखो, बेशक आपका हाथ जो है वो जल रहा है, लेकिन क्या होता है कि हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ये फ़ौरन मैसेज जो है उस मैसेज का रिप्लाई हमें ब्रेन देता है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन देता है कि अब आपको ये करना चाहिए। तो इसमें हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को किस तरह से कंट्रोल करता है। अब इसमें जो नेक्स्ट है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें कुछ आप लोग इस डायग्राम में दे सकते हैं, ये आपका ब्रेन। अब ब्रेन जो है ना उसके टू पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इट्स मीन कि हम आपके ब्रेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसकी फर्दर टू और टाइप्स हैं।
द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कम्पोज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें आपका आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब भी आप बात करते हैं ब्रेन की तो हम ब्रेन ही बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में अब दो चीज़ें जो है वो मिलकर वर्कआउट करती हैं, फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड जो है, अब जो आपका ब्रेन है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसमें बच्चों ये ब्रेन के अंदर बारीक बारीक सी नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि उन नर्व्स का नेटवर्क आपकी पूरी बॉडी में जो है वो फैला हुआ है। आपकी जितनी नर्व्स जो है वो ब्रेन के इस वाले पोर्शन में रहेंगी तो वो आपका ब्रेन है, लेकिन जब वो ब्रेन वहाँ से निकल के आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जा रही हैं तो वो फिर उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। है तो ब्रेन भी नर्वस सिस्टम का पार्ट, लेकिन फिर ये वाला जो नेटवर्क है आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी कि सपोज आपके पाँव पे चोट लगी है, आप इसमें से देख सकते हैं कि बारीक सा धागा यहाँ से होता हुआ आपके ब्रेन तक जा रहा है। क्या होगा कि आपके इस पाँव पे चोट लगी है तो ये जो बारीक धागा है जिसको हम नर्व्स बोलते हैं वो फौरन से मैसेज लेके जाएगा ब्रेन की तरफ कि अब ये जो है कंडीशन है तो ब्रेन को क्या करना चाहिए। तो ब्रेन क्या होगा फिर फौरन से उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई करेगा, उसी न्यूरॉन के थ्रू उस पार्ट तक यहाँ पे चोट लगी है तो वो रिप्लाई होता है उसी के अकॉर्डिंग, फिर हम रिस्पॉन्स शो करते हैं कि चोट लगी है तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि गर्म ऑब्जेक्ट है तो क्या करना चाहिए। इसमें सिर्फ इन आपने डिवीजन याद रखनी है कि ये जो है इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनती है और बाकी जो सारा आपका सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब नेक्स्ट बच्चों आ जाता है न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। अब इसमें आपको एक पूरा नेटवर्क नज़र आ रहा था बॉडी के अंदर, अब इसमें हम लोग एक सिंगल धागे के बारे में पढ़ेंगे जिसको मैंने आपको बताया कि हम उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है, कि वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। न्यूरॉन और नर्व सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपका ये पूरा नर्वस सिस्टम है, इसमें उन्होंने क्या कि बेसिक यूनिट जो है वो नर्व है। बेसिक उस चीज़ को बोलते हैं कि जिसके बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में से एक भी धागा मिस हो तो फिर ब्रेन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी ना ब्रेन उसका वापस रिप्लाई करेगा। इस वजह से हम इन धागों को न्यूरॉन को बेसिक यूनिट बोलते हैं। अब इसका नेक्स्ट है आर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ द न्यूरॉन। वही बात उन्होंने की है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपके सारे बॉडी पार्ट जो हैं वो न्यूरॉन से मिलकर बने हैं। न्यूरॉन का काम क्या है कि ये ट्रांसमिट करता है आपके मैसेज को इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में। जैसे अब आप लोग देख सकते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, हम उसमें कहते हैं कि सिग्नल है। आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो सिग्नल की वजह से आपका मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये सेम कंडीशन आपकी बॉडी में होगी, इसमें भी हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स हैं, ठीक है। वो वेव्स आपके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक नर्व्स के जरिए जाती हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये नर्व इम्पल्स है। ह्यूमन बॉडी के मैसेज को इम्पल्स बोलते हैं। आप लोग सिंपल मैसेजिंग की बात करते हैं कि आपने किसी को मैसेज किया है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जब मैसेज एक जगह से ब्रेन तक जाएगा तो हम उसको बोलते हैं कि वो नर्व इम्पल्स है, मीन के मैसेजिंग हो रही है। अब नेक्स्ट इसका बच्चों आप लोग ये डायग्राम इसकी देख सकते हैं। अब आपके ये एक सिंगल धागे को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो आपको एक सिंगल न्यूरॉन का ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आता है, ठीक है। अब इसके सेंटर में जो है ये आपको सर्कल ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये है सेल का न्यूक्लियस। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद आपको ये बाहर की तरफ जो है वो प्रोजेक्शन बाहर से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक्सॉन और डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ओवरऑल हम इसको बोलेंगे कि ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है। और इसके अंदर जो आपको न्यूक्लियस के बाहर की तरफ ब्लू कलर का वाटर लाइक मटीरियल नज़र आ रहा है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये सेल की न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में नीचे उन्होंने अब आपको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि इसमें क्या चीज़ आएगी। अब बच्चों द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी। अब ये जो अब इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर की तरफ वाटर लाइक मटीरियल साइटोप्लाज्म, इसको हम कलेक्टिवली बोलेंगे कि ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। द फाइन प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव मैसेज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब इसमें ये जो है फाइन प्रोजेक्शन, बारीक से धागे जो बाहर की तरफ निकले हैं वो हैं डेंड्राइट्स। इनका क्या काम है कि ये विच रिसीव मैसेज आर कॉल्ड एक्सॉन। अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये वाले जो धागे हैं ये डेंड्राइट्स हैं, और यहाँ पे इस टर्मिनल की तरफ यहाँ से जो प्रोजेक्शन निकल कर एक्सटेंड हो रही है आगे की तरफ बढ़ रही है वो है एक्सॉन। टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट सेल।
अब जो एक जोन है, अब इसमें मुझे एक जोन और डेंड्राइट का फ़र्क ये है कि जो एक जोन है ना, ये आपके मैसेज को ब्रेन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। पाँव पे चोट लगी है, मैसेज फ़ौरन से ब्रेन की तरफ इन एक जोन के जरिए जाएगा, ठीक है। और ये जो डेंड्राइट्स है ना, इनका एंड आपके ब्रेन में होता है। एक जोन मैसेज लेके जाता है, तो फिर क्या होगा कि मैसेज, सपोज ये ब्रेन में आपका सारा पार्ट प्रेजेंट है, अब ये जो वापस इन्फॉर्मेशन आपको देगा वो डेंड्राइट्स आपके पाँव की तरह मैसेज दोबारा वापस लेके आएगा। एक्सोन मैसेज को लेके जाता है और डेंड्राइट जो है ये वापस मैसेज को आपके बॉडी पार्ट तक लेके आता है। अब इसमें हम लोगों ने बच्चों इन दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, आपने ये पूरा जो है इसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है, टॉपिक को समझना है। आपको कोई भी क्वेश्चन जो ना समझ आए आपने वो कमेंट में मैंशन करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले इंशाल्लाह आपके प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर दूंगी और फिर हम नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।